Hello students, I hope all of you will be very fine. But students, today our subject is Fundamental of Computers for BBA fifth semester. And students, today our the most important topic is Terminology of Internet. ठीक है, मतलब कौन से टर्म हम स्टूडेंट जो है इंटरनेट में हम यूज करते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम आज स्टूडेंट जो है हम डिस्कस करेंगे. यानी टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरनेट. ठीक है, क्या टर्म है, क्या हम उसमें जो है इंटरनेट में हम बेसिकली यूज करते हैं. देखिए स्टूडेंट, इससे पहले जो है हमने बीबी फिफ्थ सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में स्टूडेंट हमने जो है इंटरनेट क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, ये हमने स्टूडेंट ऑनलाइन डिस्कस किए. तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरनेट. मतलब इंटरनेट में स्टूडेंट कौन कौन से टर्म्स हैं जिनका हम बेसिकली यूज करते हैं. देखिए स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने मतलब पढ़ा कि भाई इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज ए कनेक्शन ऑफ नेटवर्क, कई सारे नेटवर्क का स्टूडेंट कनेक्शन है. अब स्टूडेंट जैसे हम बात करते हैं कि भाई नेटवर्क के कौन से टाइप मतलब होते हैं, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मतलब कौन से टर्म हम यूज करेंगे. तो देखिए स्टूडेंट, बेसिकली जो है वो हम जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं लैन. लैन का मतलब होता है स्टूडेंट लोकल एरिया नेटवर्क. दूसरा है स्टूडेंट हमारा मैन, यानी कि मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क. और स्टूडेंट तीसरा है हमारा वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क. और चौथा है हमारा पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क. और फिर पांचवा है पैन, यानी कि वर्चुअल एरिया नेटवर्क. तो स्टूडेंट ये जो है हमारे, ये क्या है, ये स्टूडेंट हमारे जो है नेटवर्क्स को बनाने के तरीके हैं कि हम कैसे नेटवर्क्स को सेटअप करेंगे, हम कैसे नेटवर्क का हम यूज करेंगे. तो लेकिन हम स्टूडेंट बात करते हैं उसमें सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क. यानी कि स्टूडेंट जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे स्टूडेंट हम बात करते हैं जब कोई किसी कंट्री या किसी कॉन्टिनेंट को ये जोड़ता है, मतलब उसका नाम ये वाइड, यानी कि बहुत बड़ा एक एरिया. यानी हम कह सकते हैं कि मतलब इंटरनेट जो है वो स्टूडेंट वैन के कॉन्सेप्ट, वैन के कॉन्सेप्ट पे ही बना है. वो हमारा इंटरनेट जो है वो हमारा वैन नेटवर्क एक तरीके से कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करे. ठीक है, तो वो हमारा वैन कहलाता है. हम बात करते हैं लैन की, यानी लोकल एरिया नेटवर्क. जैसे मान लो आपको किसी बिल्डिंग में कोई नेटवर्क सेटअप करना है, आपको मतलब जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है मतलब आपको कोई नेटवर्क सेटअप करना है, मतलब उसकी जो रेंज है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. बेसिकली हम कह सकते हैं कि अगर मान लो आपको जो है किसी बिल्डिंग, या हम कह सकते हैं कि मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशंस में जो है इसको सेटअप करना है, तो हम लैन का यूज़ करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क. मान लो किसी को किसी आपको शहर में मतलब आपको शहर में बिल्डअप करना है, जैसे लाइक कोई शहर हो गया, बड़ा शहर हो गया, मान लो आपका जो है दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, तो अगर इसमें भी अगर आपको नेटवर्क अगर मान लो आपको बनाना है, ये अगर आपको देखना है, तो उसको बोलते हैं मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क. मतलब सिटी के अंदर जो नेटवर्क बनाया जाएगा उसको हम बोलेंगे मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क. ठीक है, तो अब फिर आता है पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क. यानी कि आपको स्टूडेंट मान लो भाई प्राइवेट अगर आपको भाई नेटवर्क यूज करना है, हम चाहते हैं कि मतलब कि कुछ लिमिटेड यूजर ही उस नेटवर्क को यूज करें. जैसे मान लो स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट है आपका इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट. तो इंट्रानेट का मतलब स्टूडेंट मतलब क्या हुआ, इंटरनेट का स्टूडेंट ये हुआ मतलब इसमें कोई कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लोग ही उस नेटवर्क को एक्सेस करेंगे, बाहर के लोग उसको नहीं करेंगे. और आपका जो एक्स्ट्रानेट है तो उसका मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि मतलब कि बाहर के लोग भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. फिर स्टूडेंट वाईफाई भी है, मतलब उसको बोलते हैं वायरलेस फिडेलिटी. मतलब आपको जो है बिना वायर के जो है मतलब नेट अगर यूज करना है, तो हम जो है वाईफाई का हम यूज करेंगे. वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आपको भाई नेटवर्क को सिक्योर करना है, नेटवर्क को मतलब जो है हम चाहते हैं कि बाहर के लोग उसको एक्सेस ना करें, तो हम उसको वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए भी हम उसको यूज करा सकते हैं. तो स्टूडेंट दीज आर द मेथड्स इन विच वी हैव टू कनेक्ट द नेटवर्क. ओके स्टूडेंट्स, ये मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम नेटवर्क्स को मतलब बनाते हैं और हम उनको कनेक्ट करते हैं. तो सो जैसे कि कल हमने पढ़ा कि भाई जो हमारा WWW था, यानी वर्ल्ड वाइड का जो कॉन्सेप्ट था, इसको हमने पढ़ा. और हमने जो है अर्पानेट, यानी कि जो हमारा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो नेटवर्क है जिसने इसको बिल्डअप किया, उसके बारे भी हमने पढ़ा. अब देखिए स्टूडेंट, जब भी कभी हम इंटरनेट को जब भी कभी हम ओपन करते हैं, और ओपन जब भी कभी मतलब इंटरनेट को चलाने के लिए जो है कई सारे डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है. जैसे हम बात करते हैं भाई मॉडम हो गए, राउटर्स हो गए, तो ब्रिज हो गए, हब हो गए. तो स्टूडेंट ये वो
डिवाइस हैं जो कि हम जो है इंटरनेट में हम यूज करते हैं सभी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। केबल्स हो गए जैसे मान लो, और आपके जैसे कोएक्सियल केबल हो गई, ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गई। ऑप्टिकल फाइबर केबल आज के डेट में एक बहुत ही अच्छी केबल बनी जाती है, बिकॉज इसमें जो जो है डेटा बहुत ही फास्ट मतलब मूव करता है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें जो डेटा है वो हमारी लाइट्स के फॉर्म में चलता है, लाइट यानी प्रकाश। स्टूडेंट जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो लाइट की होती है, क्योंकि आप देखिए जो सन है, सन की जो रेज हैं वो अर्थ तक पहुँचने में, अर्थ तक जब पहुँचती हैं तो वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड की उनकी वेलोसिटी है, जिससे वो आपकी सन से लेके अर्थ तक मतलब पहुँचती हैं। तो ये उनकी वेलोसिटी है, तो इसी मतलब तो ये तो जो हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल है इसमें जो डेटा है बहुत फास्ट तरीके से मूव करता है। अच्छा सर, इंटरनेट पर जो डेटा जो मूव करता है वो बहुत ही छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में मूव करता है, इसीलिए हम जो है कह सकते हैं कि इंटरनेट जो पैकेट स्विचिंग को मतलब जो है गवर्न करता है। ठीक है, जैसे मान लो अब जैसे आप देखते हैं कि भाई आपको इंटरनेट अगर आपको लगाना है तो आप किससे कॉन्टेक्ट करेंगे, आप ISP से कॉन्टेक्ट करेंगे। व्हाट इज ISP? ISP मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये स्टूडेंट ISP मतलब वो कंपनी है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। जैसे मान लो हम बात करें स्टूडेंट भारत में जो सबसे पहले मतलब 1995 में इंटरनेट शुरू हुआ, और फिर बैंकों में भी स्टूडेंट स्टार्ट हुआ, बैंक आजकल बैंकों में हर जगह है, लेकिन 1996 में ICICI बैंक में मतलब जो है इंटरनेट सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ, उन्होंने इसका यूज़ किया। तो अब जैसे कि मान लो भाई ISP का मतलब क्या है, मान लो स्टूडेंट आप देखिए रिलायंस हो गया, वोडाफोन हो गया, और आपके जो एयरटेल हो गए, तो दीज आर कंपनी विच इज प्रोवाइड इंटरनेट, जो कि आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, तो ये हमारी ISP कहलाती हैं। तो जैसे मान लो किसी आपको अगर मान लो किसी कंपनी में या किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में अगर नेट लेना है तो हम क्या करेंगे, हम उनसे नेट लेंगे, वो हमें नेट देंगे, और फिर जो है आप देखते हैं कि जो भी केबल्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लो मॉडेम है, मॉडेम से हम जो मॉडेम है वो स्टूडेंट डिवाइस होता है जिससे हम जो है इंटरनेट के लिए हम उसको कनेक्ट करते हैं, और फिर हमारा स्टूडेंट टेलीफोन लाइंस होती हैं, टेलीफोन लाइंस और मॉडेम को जो है हम कनेक्ट करते हैं आपस में। तो जाहिर सी मान लो इससे पहले स्टूडेंट हम बहुत सारी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जैसे मान लो BSNL है आपकी भारत संचार निगम लिमिटेड है, और एक है VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये भी हमारी ISP हैं जो कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे, वो आपको मॉडेम देंगे, मॉडेम में उसको कनेक्ट करके एक टेलीफोन लाइन से उसको जो है कनेक्ट कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं DSL यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, उससे कनेक्ट करके फिर जो है उसको मतलब जो है आपके PCs में आपको नेट पहुँचाएंगे। आपकी जगह स्टूडेंट आज के हम जो है स्विच का यूज़ कर रहे हैं, जैसे मतलब स्विच है तो हम कह सकते हैं कि भाई मतलब हम उतना बेटर तरीके से काम नहीं करते, स्विच बहुत बेटर तरीके से काम करते, तो हम स्विच का भी हम यूज़ करते हैं जो है नेटवर्क्स को जो है यूज़ करने में। दीज आर द डिवाइस। ठीक है, तो अब देखो उसमें स्टूडेंट, अब जैसे मान लो क्या मान लिया, तो ये तो स्टूडेंट बात हो गई डिवाइस के बारे में, राउटर, हब, स्विच हैं, और तो ये स्टूडेंट वो डिवाइस हो गए जिनका हम स्टूडेंट यूज़ करते हैं अपने नेटवर्क्स को बनाने में। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर की स्टूडेंट बात करें, जैसे मान लो सपोज दैट मान लो सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर, जैसे जब भी कभी स्टूडेंट हम लोग जो है अपना इंटरनेट को ऑपरेट करते हैं, तो स्टूडेंट आप देखते हैं कि आप ब्राउजर को सबसे पहले आप ओपन करते हैं। तो स्टूडेंट ब्राउजर क्या है, तो ब्राउजर आर द सॉफ्टवेयर विच इज ऑपरेट द इंटरनेट, मतलब एक प्लेटफॉर्म है। जैसे स्टूडेंट आप देखते हैं कि जो हमारे वेब पेजेस होते हैं, तो वेब पेजेस जो होते हैं वो हमारे HTML लैंग्वेज में बने होते हैं, यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में बने होते हैं, और उस लैंग्वेज यानी उन वेब पेजेस को स्टूडेंट रन कराने के लिए हमें स्टूडेंट जो है वो हमें ब्राउजर की आवश्यकता पड़ती है। ब्राउजर पे ही वो सारे मतलब वेब पेज रन होते हैं, उस पे ही मतलब चलते हैं, मतलब ब्राउजर वो मतलब वो सॉफ्टवेयर है जिस पे ये सारे एप्लीकेशन आपकी मतलब सारी जो वेब पेजेस हैं वो उस पे कंपाइल होते हैं। क्योंकि HTML जो स्टूडेंट वो हमारी मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है, उसमें हम कई सारी मतलब जो है और भी कई सारी मतलब वेब पेज को बनाने के लिए हम जो है स्टूडेंट HTML का यूज़ करते हैं, CSS का यूज़ करते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, JavaScript का हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब उनको डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए, मतलब अब वेबसाइट भी स्टूडेंट दो टाइप की हो गई आपकी, डायनेमिक वेबसाइट और स्टेटिक वेबसाइट। तो डायनेमिक वेबसाइट स्टूडेंट वो वेबसाइट होती हैं जिसमें मतलब जो है
फर्दर हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसमें ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, तो ये सब हमें जो है स्टूडेंट वेब पेज पे हमें शो होता है। और स्टैटिक वेबसाइट जो होती हैं कि मतलब वो बन गई उसमें हम फर्दर चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये हमारी जो है वो स्टैटिक वेबसाइट्स के कहलाते हैं। इन सभी को बनाने के लिए HTML का यूज़ करते हैं, और जो कि हमारी स्टूडेंट्स वेब पेज लैंग्वेज कहलाती है। आज की डेट में सर PHP का भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट इनको चलाने के लिए हमें स्टूडेंट जरूरत पड़ती है वेब ब्राउजर की। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे जो आप लेटेस्ट जो ब्राउजर है वो हमारा गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम का स्टूडेंट जो है मोस्ट वाइडली यूज हो रहा है, मतलब अपने भारत में इंडिया में ज्यादा लोग गूगल क्रोम का ही यूज करते हैं। फिर आपका मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो ये स्टूडेंट वो ब्राउजर है जो मोस्टली यूज होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भी ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द यूजर टू एसेस एंड नीड इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर आर द बेस्ट नोन ब्राउजर, ठीक है। तो ये हमारे ब्राउजर है, पहला ब्राउजर स्टूडेंट टिम बर्नर्स लेने बनाया, जिसको WWW बोलते हैं। WWW को ब्राउजर भी हम बोलते हैं, जो कि 1990 में जो है डेवलप किया गया, बनाया गया। और अगर बात करें पहला GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब स्टूडेंट जो आपको ग्राफिकली चीजें वेब पेज पे दिखाई देती है, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट। तो पहला जो स्टूडेंट जो ब्राउजर था जो इस प्रकार की वेबसाइट्स को जो है कंपाइल करे, तो वो हमारा है मोज़िक, जिसको मोज़िक जो है वेब ब्राउजर का नाम है, जिसको मार्क एंडरसन ने बनाया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ब्राउजर हमारे क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे वर्ल्ड वाइड वेब को जो है मतलब ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ISP के बारे में बताया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विद कनेक्ट टू अस इंटरनेट, चार्ज अमाउंट फॉर इट्स सर्विस, यस वो उसका चार्ज करते हैं जो भी हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। ISP कंप्यूटर कॉल सर्वर्स विद रिमेंस परमानेंटली कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर ऑन द नेट। ISP प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड टू कनेक्ट इंटरनेट, यस ISP जो है वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करें ताकि आपका इंटरनेट जो है वो सिक्योर रहे। एट प्रेजेंट VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, MTNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और आपकी सो रिलायंस है, रिलायंस जियो जिसकी मतलब फाइबर ऑप्टिक मतलब रिलायंस जियो फाइबर का भी स्टूडेंट जो है वो यूज़ हो रहा है बहुत फास्ट, बहुत ही फास्ट। अगर आपको मतलब इंटरनेट की स्पीड यूज़ करनी है तो हम जो है रिलायंस जियो फाइबर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो दीज आर द ISP विच इज प्रोवाइड यू इंटरनेट, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो हम कह सकते हैं कि मतलब टू एक्सेस वर्ल्ड वाइड वेब यू यूज कॉल्ड वेब ब्राउजर, ब्राउजर आर सॉफ्टवेयर आल्सो वेब, ये हमारे वेब क्लाइंट्स भी कहलाते हैं। सिंस दे गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर वेन यू स्टार्ट WWW ब्राउजर ऑन द हाइपरलिंक, ठीक है। तो अब देखिए ब्राउजर के फीचर्स क्या, द वेब ब्राउजर शुड बी एबल टू कनेक्ट वेरियस साइट्स टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, ब्राउजर इज हैव अ नंबर ऑफ अदर कमांड्स रेडली अवेलेबल थ्रू मींस एंड आइकन्स एंड बटन्स, एंड ब्राउजर इज टू सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन द करंट पेज एज वेल एज WWW, एंड इट गिव द फैसिलिटी टू सेव वेब पेज ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम, आप वेब पेज को सेव भी कर सकते हैं इंटरनेट पर। वेब ब्राउजर शुड बी एबल टू हैंडल टेक्स्ट इमेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एज वेल एज हाइपर लिंक टू डिजिटल वीडियो और अदर टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन इन्फॉर्मेशन को भी जो है हम ब्राउजर के द्वारा रिट्रीव करा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ब्राउजर इज ईजी टू यूज, यस ये काफी ईजी टू यूज है, आप इंटरनेट आराम से कर सकते हैं। और इस इंटरनेट करना ब्राउजिंग कहलाता है, सर्फिंग कहलाता है, और इंटरनेट पर ऑनलाइन वीडियो दिखाना स्ट्रीमिंग कहलाता है, हम स्ट्रीमिंग वर्ड का यूज करते हैं। वेब ब्राउजर इनफैक्ट नॉट सच विद द वेब बट ऑल्सो योर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विद अदर प्रोग्राम कॉल्ड प्लगइन्स दैट गिव द ब्राउजर एनहांस फीचर, यस प्लगइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो ऑटोमेटिक जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक्सटेंशन हम उनको बोलते हैं, वो जो है ब्राउजर में प्लगइन्स हो जाते हैं जिनको ऑटोमेटिक जो है ब्राउजिंग से चलना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट मतलब ब्राउजर एक मतलब जैसे कि मान लो हम स्टार्ट में गए, इंटरनेट में गए, मतलब ब्राउजर को हम ऑपरेट करते हैं, है ना। अब देखो स्टूडेंट ब्राउजर जो है वो हमें जो है क्या नाम है हमें उसको हम होम पेज हम बना सकते हैं, हम उसको सर्च करते हैं, जो वेबसाइट हमारी फेवरेट है उनको हम जो है ब्राउजर पे हम जो है उन्हें डिस्प्ले करा सकते हैं। डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ साइट यू हैव मार्क्ड, क्लिक एनी आइटम ऑन लिस्ट टू जंप टू इट, मतलब आपको बार बार किसी वेबसाइट का एड्रेस को खोलने की आवश्यकता नहीं है, आप बुकमार्क करके आप उनको जो है फेवरेट अपने वेबसाइट को ब्राउजर में लिस्टिंग कर सकते हैं। जब भी कभी आप नेट खोले सीधे क्लिक करें तो आप सीधे वो वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। प्रिंट
फैसिलिटी भी है. प्रिंट अ पेज यू व्यूइंग, दिस इज वन ऑफ सेव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट सो दैट यू रिकनेक्ट और व्यू इट अगेन. यू कैन प्रिंट यू आर एल एक्सेसिबल विद द ई, मतलब जैसे स्टूडेंट का यू आर एल के बारे में मैंने आपको बताया, उसको हम बोलते हैं आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि स्टूडेंट हमारा एड्रेस बार कराता है ब्राउजर पे. हम उसको स्टूडेंट टैग करते हैं टॉप पर, जो स्टूडेंट होते हैं ब्राउजर खुल के आता है. तो जैसे कि स्टूडेंट ये जो आपका जो ब्राउजर का जो पेज खुल के आता है, तो हम ये जो हमारा क्या क्या कहलाता है एड्रेस बार कहलाता है, जहाँ पे हम स्टूडेंट जो है एड्रेस को हम टाइप करते हैं www.google.com. तो ये स्टूडेंट हमारा कहलाता है यूआरएल, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. और हम इसी एड्रेस को जो है स्टूडेंट हम जो है ब्राउजर पे हम टाइप करते हैं. उसके बाद फिर हम जो भी हम चीजें जो है हम जो भी हम वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं उनको हम जो है हम खोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने स्टूडेंट जो है लैन वैन वैन पैन के बारे में पढ़ा, और ये मतलब आईएसपी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं, और ब्राउजर स्टूडेंट्स क्या होते हैं. स्टूडेंट ये आज हमारा टॉपिक है टर्मिनोलॉजी ऑफ इंटरनेट. ये स्टूडेंट मेरा आज पार्ट वन है, और इसके इसी स्टूडेंट टॉपिक के मैं जो है आपको और भी कम से कम 4-5 पार्ट लेके आऊंगा. तो उसमें हम स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम जो है स्टूडेंट डिस्कस करेंगे कि भाई यूआरएल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, और डोमेन नेम सिस्टम्स क्या होता है, और ईमेल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम स्टूडेंट आगे आने वाले जो है हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हम जो है इंटरनेट पर हम कैसे हम अपने इंटरनेट को सिक्योर करें. ठीक है, और इंटरनेट पे हम नेटिक्विटी क्या होती है, इसको भी हम स्टूडेंट्स यूज मतलब जो है हम आगे आने वाले लेक्चर्स में स्टूडेंट हम जो है डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट हमने कल स्टूडेंट आपने जो है वो यू आर एल के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज यू आर एल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि हमारा एड्रेस बार हमारा कहलाता है. और स्टूडेंट इसके 3 पार्ट होते हैं. ठीक है, देखिए एक तो इसका ये पार्ट हुआ www, और फिर हमारा वो ये जो वेबसाइट का जो नाम है, और ये हमारा है डोमेन नेम. तो डोमेन नेम के बारे में हम जो है अच्छे से हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने जो है लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, और वर्चुअल एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ा, ब्राउजर्स के बारे में पढ़ा, ISP के बारे में पढ़ा. ठीक है, ISP क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो आपको इंटरनेट की सर्विस आपको प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने किया डिस्कस. तो स्टूडेंट आप इसको देखिए, और फिर देख के फिर इसके आप नोट्स बनाइए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.